इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों सीएस डायरेक्ट एंट्री स्कीम के बारे में किन किन बच्चों को यह बेनिफिट मिल सकता है मतलब क्या डायरेक्ट एंट्री हो सकती है सीएस एग्जीक्यूटिव में ये चार तरीके के बच्चों को सी द्वारा डायरेक्ट एंट्री स्कीम का बेनिफिट दिया गया है नंबर वन क्या है जो ग्रेजुएट है ग्रेजुएट फिफ्टी मार्क्स है उनके एवरेज चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से चाहे वो आर्ट्स से चाहे कॉमर्स से मेडिकल से नॉन मेडिकल से किसी भी स्ट्रीम से है वो क्या है बेनिफिट ले सकते हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम का नंबर दो जो पोस्ट ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट में किसी तरीके की कोई मार्क्स की कोई कंडीशन नहीं है इसलिए क्या है आपको डायरेक्ट सी एस एक्टिव में एंट्री मिल जाएगी नंबर तीन जो क्या है सी ए फाइनल पास स्टूडेंट है उनको भी डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी नंबर चार सीएमए फाइनल मतलब ये कुल मिला के चार तरीके की कैटेगरी है जिनको क्या है डायरेक्ट एंट्री सी एस एक्टिव में मिल सकती है उसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट है उसको सीएस एक्ड्ल्यू तक पहुंचने के लिए सीएसडब्ल्यू टी कोर्स पास करना ही होगा उसके बाद देन वो सी एस एक्ड्ल्यू में एंटर कर सकता है तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना आइकन वाला मत भूलिएगा। थैंक यू